हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दीपक और आज मेरे लिए काफ़ी स्पेशल दिन है क्योंकि मैंने ना कुछ परचेज किया अपने लिए। तो हमारे चैनल का नाम है देसी स्वाद, जो कि एक फूड चैनल है जिसपे हम अपना देसी स्टाइल में जो कुछ भी बनाते हैं ना, नॉन वेज वगैरह, तो जो गांव में हम करते थे पहले वो शहर में हम कैसे कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने एक स्पेशल कैमरा अपने लिए परचेज किया है जो कि यह फ्यूजी फिल्म के एंड से, फ्यूजी फिल्म ब्रांड से XT200, और इसे मैंने परचेज किया है। आज मैं इसे अनबॉक्स करूंगा और दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये 4K रिकॉर्डिंग करता है। अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो हमने अपने फ़ोन से किया है जो कि सैमसंग का M31S है। तो आप इसकी वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, और जो अभी आगे मैं यूज़ करूँगा कैमरे को प्रोफेशनली यूट्यूब चैनल के लिए, तो फ्यूजीफिल्म XT200 को यूज़ करूँगा और मैं इसे अनबॉक्स करके दिखाऊँगा कि ये कैसा है और कैसा दिखता है, क्या क्या बॉक्स में आता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो ये बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें एक स्ट्रैप मिलता है जो कि आपका कैमरे को होल्ड करने के लिए, और ये है कैमरा और इसके लेंस। ये सारा कुछ हमने ओपन कर रखा है, तो ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है। बैटरीज, ये कंपार्टमेंट हटाएंगे तो ये सारा कुछ अंदर में होता है। और इसके साथ साथ क्या आता है, एक आपका जो टाइप सी और हेडफोन जैक के साथ में आप इसमें हेडफोन आउटपुट ले सकते हैं, और टाइप सी केबल आता है। टाइप सी से ये चार्जिंग होता है टाइप सी केबल के थ्रू। ये सारा कुछ आता है बॉक्स के अंदर, और वारंटी कार्ड, मैनुअल, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइप सी भी मैं आता हूँ मेन कैमरा से, देखते हैं। फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग किया है तो अनबॉक्सिंग का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, आप देखेंगे तो। इसका ऑलरेडी मैंने SD कार्ड आपको बताया था मिलता है, मैंने ऑलरेडी इसे लगा रखा है, ये आता है। आप परचेज जब भी SD कार्ड करें तो UT Blast 10 का करें, उसका परफॉर्मेंस जो होता है इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो इन बॉक्स के अंदर आया तो बस ये नॉर्मल यूज़ के लिए। अगर आपको वीडियो में अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप जो है U3 यूज़ करें। तो मैंने इसमें बैटरी को लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का है कैमरा, बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिख रहा है रेड डॉट और यहाँ पे रेड डॉट, तो इसको मैच करा के जस्ट आपको रोटेट करना है। क्लिक साउंड है, मतलब ये लेंस फिट हो गया है। ये कुछ इसके डायल्स और सारे बटन हैं यहाँ पे। इसके बारे में मैं अभी उतना कुछ नहीं जानता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ, इससे पहले मैंने ना ही कोई DSLR यूज़ किया है, नॉर्मली मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है। तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही फर्स्ट कैमरा है जिसका जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो अभी मैंने इसे ऑन कर लिया, ये आप देख रहे हैं। तो इसके कई सारे फीचर हैं, आपको बहुत सारे इसके वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि क्या क्या खास फीचर्स हैं। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें 4K 30 FPS का है। इस प्राइस रेंज में अभी कोई भी कैमरा जो है इतना अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में नहीं आता है, और जो कि बाकी लोग नहीं यूज़ करते हैं फ्यूजी फिल्म को, क्योंकि इसके लेंसेज काफ़ी महंगे आते हैं और सोनी और कैनन पे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद भी मैंने इस फ्यूजी फिल्म को परचेज किया कि कैमरा, मगर कॉस्ट हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था तो मुझे फर्स्ट तो कैमरा चाहिए था। लेंसेज के लिए आगे देखेंगे क्या करना है।
ये मुझे डील में अच्छे प्राइस में मिल गया तो मैंने इसे परचेज कर लिया। तो अभी मैं आपको इसका वीडियो सैंपल आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं इससे पूरी वीडियो अभी इससे शूट करूँगा, तो आप उसे देख के बताएं कि कैसा है। अभी तक तो आपने मोबाइल का ही वीडियो देखे और उसमें क्या डिफरेंसेस है, आप वो सारी चीज़ें बताएं। अभी हमने कैमरे का सेटअप कर लिया है, तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारा जो फ्यूजीफिल्म XT200 है उसका वीडियो सैंपल है। तो आप देख के हमें कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है सही किया है, या इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप भी कुछ एक्साइटेड हैं मेरी तरह कि कैसा कैमरा है, आप भी फ्यूचर में परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये कैसा कैमरा है, आगे इसका रिव्यू चाहते हैं कि ये किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या चीज़ कैसे सारे फंक्शन वर्क करते हैं। तो वो सारी वीडियो आपको अगर आपकी डिमांड होती है तो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ओवरऑल आप हमारा ये वीडियो क्वालिटी आप इसका देखिए, मैंने 4K 30 FPS में रिकॉर्ड किया है, तो इसको देखिए बताइए कैसा लग रहा है। ये मुझे पर्सनली कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कई सारे ऐसे रीज़न है जिसके वजह से ये मुझे काफ़ी पसंद आया कैमरा, जिसके वजह से मैंने इसे परचेज़ किया है। सबसे पहला रीज़न है क्योंकि इसमें मिररलेस कैमरा है, जो कि फ्यूचर आगे जो फ्यूचर है वो मिररलेस का ही है, और उसके वजह से मैंने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया है DSLR के बजाय हमने मिररलेस कैमरा में इन्वेस्ट किया है। और इसके लेंसेज काफ़ी महंगे आते हैं इन द सेंस कि थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है और वैरायटी थोड़ी सी कम है अदर लेंसेज के हिसाब से। और इसके अगर आप कोई अडाप्टर वगैरह परचेज करना चाहते हैं जो अदर ब्रांड के लेंसेज को अटैच करने के लिए, तो इसके अडाप्टर भी थोड़े से महंगे आते हैं कैनन के अपेक्षा और सोनी के अपेक्षा। तो इसके बाद भी मैंने इसे परचेज़ किया है क्योंकि मुझे इसका प्राइस जो है काफ़ी अच्छा लगा, जिसके वजह से मैं और कई सारे फीचर हैं जैसे इसका फ्लिप स्क्रीन है जो मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके। तो फ्लिप स्क्रीन मुझे इसका काफ़ी पसंद है और फ्लिप स्क्रीन की वजह से मेरा जो था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा, तो इसके लिए भी ब्लॉगिंग के लिए आप देख रहे हैं मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है और एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ रखा है। काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है जब आप वीडियो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करोगे, तो रियल टाइम आई और फोकस आप देख पाएंगे। ब्लॉगिंग के पर्पज़ से ये जो कैमरा है अभी इंटरनल लाइट से शूट कर रहा हूँ और ये काफ़ी लो लाइट कंडीशन में मैं शूट कर रहा हूँ ऑटो मोड पे। तो ये आपको दिख रहा है किस तरह से कितना अच्छा एक्सपोजर लाइट टाइम ये सारा कुछ मेंटेन कर रहा है। और सैंपल वीडियो है तो मैं बार बार अपनी स्क्रीन पे इसे देख रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा नज़र इधर उधर हो रहा है। आप मुझे बताइए कि कैसा वीडियो क्वालिटी है। और ये मेरा सेटअप है जो कि लाइट का, ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी मैंने 1545 का ये जो किट लेंस के साथ में आता है, ये लेंस मेरे हिसाब से अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी सफिशियंट लेंस है, जिसके आपको कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं कुछ एक्सटर्नल लगाने की नहीं, बस आपने कैमरा ख़रीदा है और इसके लिए माइक ख़रीदा, बस आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और कई लेंसेज में आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें वो जो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग तरह के यूजेस करते हैं उनके लिए ये सारे लेंसेज मैटर करते हैं। एक ब्लॉगर के लिए जो है नॉर्मल किट लेंस भी सफिशियंट होता है। तो ब्लॉगिंग के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट कैमरा है। अगर आप एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्यूजी फिल्म XT200 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा इसका जो इसका कलर वगैरह
तो अभी एडिटिंग के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। मुझे कैमरे के बारे में कुछ ज़्यादा टेक्निकल उतना कुछ पता नहीं है, मगर मुझे बस इतना पता है कि हाँ कैमरे पे अच्छी वीडियो आ रही है, बस कैमरा अच्छा है, बस और कुछ नहीं। तो हमें लगता है आप लोग को भी बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैमरे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मैं आगे सीखता रहूँगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं ज़रूर बताऊँगा अगर आप जानना चाहेंगे इसके लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में इसी कैमरे की वीडियो के साथ में, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मैं अपने सारे चैनल्स के जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए, ताकि मैंने अगर जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ये कहीं बेकार नहीं चला जाए फिर, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके कुछ और नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है।